सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध अब तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम युवा भी इसका विरोध जता रहे हैं। खासकर बिहार में बवाल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी आज प्रदर्शन हुआ है। आज बिहार के जहानाबाद बक्सर में छात्रों ने जमकर बवाल किया है। वहां छात्रों ने सड़कों को जाम कर दिया और आगजनी भी की है। छात्रों ने जहानाबाद में NH 83 और NH 110 को जाम कर आगजनी की है। सेना में बहाली के सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में आरा में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। आज दूसरे दिन भी जारी उग्र प्रदर्शन रहा। अग्निपथ के विरोध में छात्रों ने आरा में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। छात्र केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक छात्रों का प्रदर्शन उग्र देखने को मिला है। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा, क्योंकि उसमें 8 महीना तो 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे, 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहां पे देश बिगाड़ रहा है और कहां पे सुधार रहा है। ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। सड़क पर हम लोग इसलिए होते हैं सर कि आर्मी एयरफोर्स नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे। हम लोग का इतना बैकग्राउंड है, घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ लोग जागरूक है, इससे ये गलत है।